हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ उपमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट, टेस्टी एंड हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना उपमा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम किया और उसमें एक चम्मच घी डाल दिया है, शुद्ध घी। उसको डाल के थोड़ा सा गर्म कर ली हूँ मैं। यह देखिए, एक चम्मच मैंने शुद्ध घी डाल दिया है। और इसके बाद मैंने ये एक कप रवा लिया, ये मोटा वाला रवा है, नॉर्मल एक कप मैंने रवा लिया है। और बस इसको हमें कुछ देर भूनना है, एकदम लाल नहीं करना है इसे, इसका कलर नहीं चेंज करना है। बस थोड़ी देर हमें घी में इसको थोड़ी देर भून लेना है, जिससे कि इसका जो भी कच्चापन या जो भी है सब निकल जाए। तो बस थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल के एक दूसरे बाउल में रख लेंगे। और उसके बाद हम दूसरी साइड में पानी भी गर्म कर ले रहे हैं, जो हमें उपमा में डालना है। तो यहाँ देखिए, पानी भी मैं चढ़ा दी हूँ, तो पानी इधर गर्म होते रहेगा। और इधर देखिए, बस ये रवा हो गया है भून के, थोड़ा बस ऐसा ही चाहिए हमें। तो अब हम इसको निकाल कर अलग बाउल में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें, तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें ये मूंगफली, जिसको सिंगदाना भी बोलते हैं, ये हम डाल के इसको भून के थोड़ी देर रख लेंगे। थोड़ा देर भूनेंगे इसको और एकदम सिम आँच पे इसको भूनना है। तेज़ आँच पे करेंगे तो तुरंत ये जल जाएगा, तो सिम आँच पे इसको हमें भून के निकाल लेना है। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी इस समय आप भून के रख सकते हैं, काजू, बादाम, जो भी आपको पसंद है वो सब भी आप भून के रख सकते हैं, आप जो पसंद करते हैं। मैं बस मूंगफली ही डाली हूँ और कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि और भी कोई चीज़ हमें नहीं अच्छा लगता है उपमा में। तो यहाँ पर देखिए, मूंगफली हो चुका था तो मैंने उसको निकाल लिया है। अब कढ़ाई में उसी तेल में मैं राई डाल दी हूँ, डेढ़ चम्मच। राई डालने के बाद मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल दूँगी, और जीरा चटक जाएगा तो मैं इसमें एक चम्मच अच्छे से पोंछ के साफ़ करके मैं उड़द दाल डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें चना दाल भी डाल सकते हैं, चना दाल भी डाल के अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं उड़द दाल डाल दी हूँ इसमें, और दाल को भी थोड़ी देर भूनूंगी तेल में। और जब ये दाल अच्छे से भून के हो जाएगा, चटकने लगेगा अच्छे से, तब हम इसमें अदरक डाल देंगे। तो अदरक को मैंने घिस करके रख लिया था पहले ही। तो यहाँ देखिए, तेल गर्म हो चुका, तो यहाँ एक चम्मच मैं इसमें अदरक मिला दी हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको अदरक को घिस के रख लिया था। तो बस अब अदरक को भी भूनेंगे, जब तक कि अदरक का कच्चापन ना निकल जाए तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से। और अदरक जब भून के हो जाएगा तो अब हम इसमें दो हरी मिर्च थी उसको बारीक कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए, अब सबको थोड़ी देर भून लेते हैं अच्छे से, हरी मिर्च को भी। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये देखिए, ये मैंने इसमें अब कड़ी पत्ता डाल दिया है। और बस थोड़ी देर अब सबको भून लेते हैं, कुछ देर कड़ी पत्ता और जो भी मसाले मैंने डाला है सबको अच्छे से थोड़ी देर भून के रख लेते हैं। और यहाँ सब भून के हो गया है, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज था उसको कट करके ले लिया, ये करीब एक कप से थोड़ा सा कम हुआ है, एक बड़ा प्याज था उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, उसको मैं इसमें मिला दी हूँ अच्छे से। और प्याज को मैं थोड़ी देर भूनूंगी, थोड़ा सा लाल करना है, एकदम ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा जो कलर इसका ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस उतनी देर हमें प्याज को भूनना है सबके साथ। और बस देखिए, प्याज हमें इतना ऐसा ही चाहिए, प्याज भून के हो गया। तो मैंने एक बड़ा टमाटर था वो भी मैंने कट कर लिया था, तो एक टमाटर भी मैं इसमें कट करके, बारीक कट करके डाल दी हूँ। ये देखिए, टमाटर भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसी समय हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से क्या होगा, इस समय टमाटर जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा नमक डालने से। तो यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कितना नमक चाहिए उस हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो बस ये देखिए, अब सबको मिला लेते हैं थोड़ी देर, और अब ये अच्छे से सभी मिल चुका है। ये देखिए, टमाटर भी अच्छे से पक चुका है, एकदम हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम ज़्यादा देर इसको नहीं भूनेंगे, बस हमें ऐसा ही चाहिए। और बस हो गया। तो अब ये जो हम लोगों ने
हमने रवा सूजी जिसको हमने भून के रखा था वो इसमें हम मिला देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ, जो रवा हमने भून के रखा था उसको अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, इस तरीके से देखिए। बस हमें मिक्स करते जाना है आराम से। और अब क्या करना है, हमने जो पानी को गर्म करके रखा था और गैस का फ्लेम हमें एकदम अभी कम कर देना है। तो ये पानी जो हमने गर्म करके रखा था इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार पूरा हम नहीं डालेंगे। और पानी अपने अंदाज से आप डालिए, जैसे मैंने एक कप लिया था रवा तो मैं इसमें दो कप पानी गर्म करी हूँ, जिस कप से मैंने रवा लिया था दो कप मैंने पानी गर्म किया है। तो पानी हमें धीरे धीरे करके ही मिलाना है और गैस का फ्लेम एकदम कम रखना है। ये देखिए तो दो कप के करीब मैंने पानी इसमें ऐड किया है, बस उससे ज़्यादा नहीं। और आप देख लीजिए, आपको अगर ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते, मैंने बस दो कप ही पानी इसमें ऐड किया है। और बस इसको हमें मिला देना है अच्छे से, एकदम बढ़िया से, और बस हमें मिलाते जाना। ये देखिए इस तरह से पानी इसका सूखते जाएगा जितना हमने पानी डाला। और इस समय हम क्या करेंगे, थोड़े से धनिया पत्ती डाल देंगे, हरे धनिया की पत्ती, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए वरना नहीं भी डाल सकते हैं। और जो मूंगफली हमने तल करके रखा था वो भी इसमें मिला दिया है मैंने। और बस अब सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है बढ़िया से। और अच्छे से मिलाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ढक के करीब 5 मिनट तक हम छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको फिर हम निकालेंगे, खोलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बनके तैयार हो चुका है उपमा, कितना बढ़िया, कितना खिला खिला दिख रहा है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को रेस्टोरेंट स्टाइल उपमा की रेसिपी? तो ये बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में खाने में, तो हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं इसे, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आप इसे नारियल की चटनी के साथ या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसको बनाया है, इसके साथ मैंने बनाया है दाल की चटनी, चना दाल की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोग के साथ शेयर किया है, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दाल की चटनी है, चने दाल की चटनी, तो उसके साथ मैंने ये सर्व किया है जो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।